नमस्कार, मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आपका स्वागत। जैसे मैंने बताया था विगत वीडियो में कि हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? बच्चे भी पहन सकते हैं, औरतें पहन सकती हैं, बुजुर्ग पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है, लेकिन पहनना किसको चाहिए? जिसको रात को सपने में डरावने दृश्य दिखाई पड़ते हैं, मन घबराता है, उठ जाते हैं आप डर के मारे, ऐसे अजीबोगरीब सपने आते हैं जैसे आप किसी और लोक में चले गए हो। जीवन में एक भय सा रहता है, एक डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसे लगता है कि कोई कुछ जादू टोना कर दिया है, लगता है कि कोई मुझे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो मन में इस प्रकार के विचार आना कि मुझे कोई सताने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा हो सकता है कि कोई प्रेत बाधा हो सकता है कि मेरे बारे में कोई कुछ तंत्र विद्या से कुछ प्रयोग कर रहा हो, इस प्रकार के विचार आने से 10 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें, बहुत फायदा होता है। रात को ऐसे सपने आते हैं जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, कोई पंछी आ रहा है, कोई सांप आ जाता है, कोई आपको दौड़ा रहा है, जंगल में दौड़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, अजीबोगरीब शक्लों वाले पुरुष और नारी आपको तंग कर रहे हैं। आप ऐसे भयभीत हो जाते हैं सोते हुए वो नींद में कि आपके हाथ पैर जो है सुन्न पड़ जाते हैं, आप चिल्लाना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप पुकारना चाहते हैं मदद के लिए, लेकिन आपकी गला आपका गला रुक जाता है। यू फील सफोकेटेड इन द ड्रीम, यू वांट टू गेट अप एंड यू वांट टू रन, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपाहिज हो गए हो, ऐसा लगता है कि जैसे आपके हाथ पैरों किसने बांध दिया हो, आपको गले को किसने जकड़ लिया हो, इस प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। यदि ये लगे कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको कोशिश कर रहा है कि आपको बांध ले, ऐसा लगता है आपको, मन में एक उद्विग्न जब पना रहता है, ऐसा लगता है कि जीवन असार है, जीवन में कुछ रस है ही नहीं, अजीब सा एक भारीपन मन में लिए हुए होते हैं आप, तब आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष है भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के प्रोटेक्शन के लिए। कोई लोग इसको भगवान कृष्ण से भी जोड़ते हैं, तो कृष्ण की जो शक्तियां हैं, विष्णु जी की जो शक्तियां हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करती है, ये आपके मन से इस प्रकार के भयों को दूर करती हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रखे। रात को इस प्रकार के सपने आते हैं, दिन भर आप थके हुए रहते हैं, दिन भर मन में ऐसे ख्याल उमड़ते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं जिंदगी से कि हो क्या रहा है, डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती है। रात में नींद की कोई भी समस्या हो, रात को नींद का बार बार खुल जाना, अजीबो गरीब सपनों में भटकता रहना, ये सभी चीजें हैं जो कि 10 मुखी रुद्राक्ष से ठीक होने के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हुए हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको नींद अच्छी आएगी, आपके बुरे सपने दूर हो जाएंगे, आप सुबह उठेंगे तरोताजा। यदि आपके मन में इस प्रकार के भय होंगे, कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको सताने की कोशिश कर रहा है, कोई जालसाजी कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई साया पड़ गया है, जैसे अंदर कोई घुस गया है, इस प्रकार के साइकोसोमेटिक इश्यूज हो, साइकोसोमेटिक फियर्स हो, जो कि एंग्जायटी पैदा करती है और जिंदगी में स्ट्रेस पैदा करता है, इन सभी चीजों के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष एक रामबाण के रूप में साबित होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष को जब आप पहनते हैं, आप इसको अपने दिल के ऊपर अनाहत चक्र जो है, जो हार्ट चक्र है, इसके ऊपर पहने,
क्योंकि अनाहत चक्र और हार्ट चक्र जो होता है ये आपके ऊपर के जो तीन एनर्जी सेंटर्स हैं, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, और नीचे के दो तीन चक्र होते हैं आपके मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। ये छहों चक्रों से एनर्जी लाकर इस हार्ट चक्र में समाहित होती है और ये काम करता है जैसे एक मिक्सर, और यहीं से ही ये आपके अंग प्रत्यंग में, हर एक सेल्स में, सेल्स के डीएनएज में, आपके अस्थि मज्जा में, बोन मैरोस, लिगामेंट्स, सेल्स, न्यूरॉन्स, हर एक हिस्से में ये एनर्जी जाती है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं दिल के ऊपर में, तो ये 10 मुखी रुद्राक्ष की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो प्रोटेक्शन है कृष्ण का, विष्णु का, ये आपके शरीर के प्रत्येक अंग में जाता है। रुद्राक्ष जब आपके स्किन के ऊपर टच करता है तो स्किन के ऊपर होता है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन डाउनलोड कर लेता है एनर्जी को। जैसे आपके माइक्रो, आपके जो कंप्यूटर्स के माइक्रोचिप्स होते हैं, ये जिस प्रकार से डाउनलोड कर लेते हैं चीजों को, उसी प्रकार से हमारे स्किन के ऊपर में, सेल के ऊपर में जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ये जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है रुद्राक्ष के, क्योंकि रुद्राक्ष में बायोलॉजिकल करंट होता है, एनर्जी होती है, तो ये माइक्रोचिप की तरह डाउनलोड कर लेता है एनर्जी को और आपके शरीर में ये प्रोटेक्शन पैदा हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष आप लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें या हमसे कॉन्टेक्ट करें 9845124158 या 9994985444। हमारे वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए www.whitelotusspirituality.com इसको लॉगिन करें। हमारे और एक वेबसाइट है www.astrologyrecommendation.com। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ये जो भय की बातें मैं कर रहा था, ये भय आपके अंदर पैदा हो जाते हैं या नींद में बाधा हो जाती है यदि आपका चंद्रमा राहु से ग्रसित हो, चंद्रमा केतु से ग्रसित हो, आपके चंद्रमा रूप में शनि की दृष्टि हो, तो 10 मुखी रुद्रा के साथ में चंद्रमा को ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है। 10 मुखी रुद्राक्ष तो एक जनरल टॉनिक टाइप का है, जनरल प्रोटेक्शन है। साथ साथ में यदि आपके ये समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तो आप मुझसे संपर्क साधें, वेबसाइट में सब लिंक दिए हुए किस प्रकार संपर्क साधन है आपको, तो हम अध्ययन करेंगे आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है, मंगल और राहु और केतु की युति किस प्रकार से चंद्रमा के साथ बन रही है, तो उसका भी हम कम्युनिकेशन करेंगे इसके साथ में, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से मिलेंगे। जब आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो जो आपका हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो किस प्रकार से बैलेंसिंग करना चाहिए, इसके बीज मंत्र क्या होंगे, इसके मुद्राएं किस प्रकार की होंगी, वो भी जब आप मेरे संपर्क में आएंगे मैं आपको सिखाऊंगा निःशुल्क, उससे कोई चार्ज अलग से नहीं लेते हैं। जब भी रुद्राक्ष आपको दिया जाता है पहनने के लिए, तो उस रुद्राक्ष की शक्ति को किस प्रकार से आप आहरण कर सकते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसके विधि भी हम आपको सिखाते हैं ऑरा चक्र बैलेंसिंग के माध्यम से, किस प्रकार से मुद्राएं होती हैं, कलर का कम्बिनेशन क्या होता है, इमेजिनेशन क्या होता है, बीज मंत्र क्या होते हैं, ये सभी आपको सिखाई जाती है निःशुल्क, आपसे कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। ये सेवा आपको प्रदान करते हैं हमारे व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। हमसे जुड़े रहें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आनंदमय रहें और प्रोटेक्टेड रहें। जाते जाते आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष जो आपका इलेक्ट्रिकल बॉडी है, ऑरिक बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और 11 मुखी रुद्राक्ष में जो शक्तियां होती हैं वो शक्ति होती है पंचमुख हनुमान की। अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इंतजार करें पंचमुख हनुमान जी के शक्तियों से भरा हुआ 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए।